व्हाट्स गोइंग ऑन गाइस, आरजी हियर। मैं आ गया हूँ आप लोगों के लिए लेके एक और रिएक्शन वीडियो। आज हम रिएक्ट करने वाले हैं धीरू मोंचक, यानी कि वन ऑफ माय फेवरेट रोस्टर। उनकी वीडियो आई है पुनीत सुपरस्टार से रिलेटेड, तो मुझे लिंक आया था आप लोगों का कि इस पर रिएक्ट करो। चलो सीधा सीधा रिएक्ट करते हैं। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा दो। पुनीत सुपरस्टार रोस्ट बिग बॉस फीचरिंग फुकरा इंसान, तो लेट्स चेक इट आउट। ओ सालू, Yes guys, most awaited video is here. लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें बता दूं कि मेरा नया गाना आया है No Flex, जिसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो के बाद सुन लेना। पब्लिक को अंधाए कान बनाए, आंखें दिखाए पर देखे ना जिंदगी जीता मैं कैसे, कोई इन्हें बताए सब कुछ सेट। आजकल हर कोई गाना निकाल रहा है क्या? लाइफ में मेरे एहसास नहीं। आज हम बात करने वाले पुनीत सुपरस्टार के बारे में। भाई पुनीत सुपरस्टार का आओ सालो जो है ना, मेरे दिमाग में रेंट फ्री रह रहा है आजकल। जी हाँ, इस बार शो में आए हमारे दिन की 125 रील बनाने वाले पुनीत सुपरस्टार। और भाई सही बताऊं तो पुनीत भाई को देख के ऐसा लग रहा था कि उन्होंने बिग बॉस को जो है खतरों का खिलाड़ी समझ लिया है। भाई अलग ही बकैती चल रही है उधर। भाई बंदा जो है मुंह पे कोलगेट लगा रहा है, चेहरे पे लाइजोल डाल रहा है। भाई एक दिन रुका बस बंदा शो के अंदर, अगर कुछ दिन और रुक जाता तो भाई राशन खा के खत्म नहीं होता, मुंह पे लगा लगा के खत्म किया जाता। और ये जो बात है वो बिग बॉस टाइम से समझ गया था, तभी उन्होंने भाई द लॉर्ड के सामने हाथ जोड़ लिया अपने। भाई तुम्हें नहीं पाल पाएंगे, तुम टाइम से जाओ अपने घर चले जाओ। 50 लाख रुपए का इंतजाम कर लेना पुनीत सुपरस्टार को वाइल्ड कार्ड एंट्री देने के लिए, अगर तुम्हारे में दम हो। नहीं गाइस, पुनीत भाई ने जो बिग बॉस की 12 घंटों में मारी है, पिछले 12 सीजन में कोई नहीं मारा। सही है। इतना बुरा हाल कर दिया भाई। जिसने पुनीत सुपरस्टार वाला एपिसोड देखा होगा उसने नोटिस करा होगा कि भाई 5-6 घंटे की बकचोदी के बाद कैमरे जो है लॉर्ड को देख के खुद झुक जा रहे थे कि भाई ये रोक दो। एक टाइम तो ऐसा आ गया था कैमरा मैन जो खुद हाथ जोड़ के कह रहा था भाई तेरा फोन नहीं है, हमें छूना बंद कर, हमें हमारे एंगल चेंज करने बंद कर। नहीं पड़ता कैमरा मैं इधर कर लेता हूं। कैमरा मैन लाइक मैं क्या करूं, जॉब छोड़ दो, उसे कुछ काम करने दो। लॉर्ड भाई खुद से कैमरा एंगल चेंज करने जा रहे हैं इधर। कैमरा तोड़ देते यार अगला बंदा यार, मैं जो करूंगा। सारा भाई पहुंचना है यार तेरा ये। कितने कैमरे पीछे करोगे, कितने कैमरे पीछे करोगे बोलो भाई। एक दिन में इतना कंटेंट देके गया है ना बंदा, अगर उसकी क्लिप भी बचा बचा के रखते ना, उसे एडिट में चॉप कर करके डाल देते तो एक सीजन पूरा चल जाता। लोगों को लगता पुनीत जो शो के अंदर ही वाली बाहर होता। अब भाई तुम खुद सोचो यार, जो बंदा दिन की 125 रीले डाल रहा है, जिंदी बकैती करते हुए, चिल्लाते हुए, नाली में नहाते हुए, सब कुछ सेट, लाइफ में मेरे एहसास नहीं, क्रीम पाउडर साबुन खाते हुए, तो भाई वो एक बंद घर के अंदर शांत कैसे रह लेगा? ये तो शो के मेकर्स को जो है पहले सोचना चाहिए था कि सब बुला रहे और ये लोग डॉक्टर बिठाते हैं वहां पे पहले माइंडसेट चेक करने के लिए। पागल साले, मेरे को लग रहा है डॉक्टर के इलाज की जरूरत ना बिग बॉस वालों को है, स्पेसिफिकली सलमान खान। तो अपने रिस्क पे बुलाना चाहिए बिग बॉस। रुक जाओ, ऐसा एक्सप्रेशन नहीं आ रहा, एक्सप्रेशन भी लाऊंगा भाई। भाई इतना अच्छा नहीं होगा उनसे अब। पर ये क्या फालतू के मुद्दे बनाए जा रहे हैं कि लॉर्ड ने टट्टी करने के बाद ढंग से बाथरूम साफ नहीं करा, ऐसे पूरे घर में हक तो सारे कंटेस्टेंट रहे हैं, अब क्या सबकी गंदगी लॉर्ड साफ करे? अजी मेरा कद्दू। भाई बंदे ने जो है सलमान खान को भी नहीं छोड़ा रोस्ट करने से, कल्लू भाई के सामने पूरी इंडस्ट्री की फटती है, लेकिन पुनीत भाई कह रहे सेलिब्रिटी होगा अपने घर का होगा, मेरे आगे झुक के रहना पड़ेगा। आजकल के 23 से लेकर 27 साल के नल्ले बेरोजगार छपरी बिरमंगे और चप्पल चोर लड़के फुटपाथ पर गाड़ियां चलाते हैं ताकि लड़की वालों को लगे ये मैंने सुना था। इस मीम की जो वॉइस है वो हेडिट है, लेकिन पुनीत जब ब्रेसलेट को लेके एक पंच मार देता है। और भाई पुनीत को इंट्रोड्यूस करने में सल्लू भाई ने जितनी खराब एक्टिंग करी है ना, इतनी खराब तो किसी का भाई और किसी की जान में नहीं करी थी। ओटीटी के इतिहास में पहली बार ये देख के तो मेरे आंसू निकल आए। और सल्लू भाई जब पुनीत को इस बात पर रोस्ट कर रहे हैं कि तेरी जीएम नहीं बनेगी कभी, आप ऐसी बात करते हो? हाँ जी सर, मैं ऐसी बात करता हूँ। आपकी गर्लफ्रेंड कोई है? नहीं सर, गर्लफ्रेंड ऐसी बात कर रही तो कभी नहीं बनेगी सर, मुझे जरूरी नहीं है भाई। तो वही बात हो गई, बैंगलोर वाले आके दिल्ली वालों से कह रहे हैं कभी तो ट्रॉफी जीतो। इस बार जब बिग बॉस ओटीटी में गए हैं सब लोग दिल से सपोर्ट करो भाई, जब जब बोर्ड्स डालना है बोर्ड्स डालो, भर दो एकदम भाई। एंट्री के टाइम पे ये जो बुड्ढा है इसकी बहुत जवान चल रही थी, सही है, हवा भरा हुआ। ये लोग जरा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे हैं, ये सोच रहे भाई कि ये लोग हमसे नीचे है। तो इस बात को लेकर बोल रहा था ये सारी चीज तुम्हारी नकली हवा है फुकरा को। तो मैं ये पूछना चाहूंगा चिचा भाई, तेरी चांदनी चौक में पंचर की दुकान है क्या जो डालने और निकालने की बात कर रहा? इसका घंटा कुछ नहीं पता था मुझे, लिटरली इसका भी कुछ नहीं पता था। चूतिएगा
मेरे को पता चला शो के बाद, लिटरली शो के बाद पता चला कि ये एग्जिस्ट करता है। फिर मैंने सर्च करा, थोड़ा बहुत देखा, मैंने नाम 3-4 बार एपिसोड रिवर्स करके देखा इसका एक्चुअली नाम है क्या, फिर पता चला कि ये आज तक का कोई रिपोर्टर है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं वर्ल्ड के नंबर वन गेमिंग ऐप के बारे में बता देता हूं, जिसका नाम जिस पे मैं जिससे कराते हैं बेस्ट में लिंक काम धंधे वाला बिजनेस वाला ये वाला वो वाला यार वाह अच्छा यार पुलिस सुपरस्टार का चर्चा हो रहा भाई, पुनीत की चर्चा हो रहा है। जब रील खोलो पुनीत की चीखें सुनाई दे जाती है। सही भाई, पूरी इंस्टाग्राम रील पे छाया हुआ है बंदा भाई, इतना नाम हो गया ना जो शो का विनर होगा जो कि फुकरा भाई होंगे, अगर इन्होंने कोई बकैती नहीं करी तो शो वाले भाई उतना नाम विनर का नहीं होने वाला जितना जो पुनीत सुपरस्टार 12 घंटे अपना करके आ गया। लोग इधर बायकॉट करके बैठे हैं, जियो सिनेमा अगर पुनीत को बुला लो इज्जत से ना तो एप्लीकेशन का नाम और निशान मिटा देंगे। बंद करो हाथ जोड़ के, मैं भाई तुम बंदे का एटीट्यूड देख रहे हैं। देखो मैं तुम्हें सही बताऊं, मैं बहुत ज्यादा बड़ा फैन नहीं हुआ ऐसे पुनीत का, मुझे पसंद है काफी ज्यादा वीडियो भाई, रात को जब खोल के बैठ जाओ रील भाई कितना ही मूड खराब हो हंसी आई जाती है। बॉस से बाहर निकलने के बाद बंदे की रेस्पेक्ट है मेरी नजरों में और दुगनी तिगनी हो गई है। लगा लो एक शो है जिसे होस्ट सलमान खान कर रहा है, इंडिया का सबसे बड़ा शो मानते हैं बिग बॉस को, भाई शो पे लात मार के आ गया बंदा बाहर। नहीं 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 मैं बिग बॉस यार भाई सच्ची इस बात के लिए पुनीत की डबल रिस्पेक्ट है, कंटेंट तो चलो बाद की बात, से बाहर नहीं निकलना चाहता यार। मतलब मैं बताता हूँ देखो हुआ क्या होगा, मतलब मुझे ऐसा लगता भाई एक तो इन्होंने इसे बैठ नहीं दिया सोने के लिए, ऊपर से पुलिस सोफे पे सो रहा तो कोई आके उठा दे रहा भाई, जो बंदा कभी किसी की सुनता नहीं फ्री में किसी से मिलने तैयार नहीं होता कैसे इतनी बंदिशों में रह लेगा, मुझे तो जाना है कैसे भी जाना है, गुस्से में जाके भयंकर वॉशरूम गंदा कराया ये। फिर बोला मैंने नहीं करा, बाद में लक्ष्य के पॉडकास्ट में बताया कि जान के करा था मैंने, बदला ले रहा था सालों से। शो के जजेस की बात हो रही है तो भाई इस बार शो के कंटेस्टेंट के साथ साथ शो के जो जजेस हैं उन्हें भी सिर्फ शो के मेकर्स ही जानते हैं। अरे हमारे गाँव के प्रधान बुला के बैठा देते भाई, उसे ज्यादा लोग जानते हैं उससे ज्यादा टीआरपी बढ़ जाती, चाहे गाली बकता वो और अलग मजा आता। भाई फुकरा और पुनीत को छोड़ के हैं कौन ये सारे के सारे, मैं तो देखे नहीं आज तक ये, मुझे तो ऐसा मैंने भी नहीं देखे, मैंने पूजा भट्ट और साइरस देख रखे हैं, बाकी मैंने वो भी नहीं देखे, बाकी के तो बिल्कुल ही नहीं देखे। शो के कंटेस्टेंट को रोजगार भट्टा योजना की लिस्ट में से ढूंढ ढूंढ के निकालता है, रियलिटी शो नहीं चैरिटी शो बना दिया इन्होंने, साले मजाक बना के रखते हो, जिसे काम नहीं मिला आ जाओ भाई आ जाओ, तू बहुत खाली बेटा हम देंगे तुझे काम, आ जा बाहर निकाल दो अभी बाहर निकालो भाई, शान से आया बहुत ज्यादा शान से बाहर निकल के। अभी हम शो में बैठे हुए जजेस की बात कर रहे थे जिसमें एमसी स्टैन भी था, तो भाई होता क्या एमसी स्टैन जो है पुनीत को क्रिंज बोल देता है, और भाई उसके बाद क्या होना था, पुनीत के फैंस ने भाई रेल सी लगा दी उसकी। वो आप सही कह रहे हो लेकिन जैसा मैं हूँ और जो मैं जो मुझे आता है मैं वही दिखाता, सही है मेरे को भी क्रिंज लगा लेकिन भाई पता नहीं एमसी स्टैन को बिग बॉस के बाद से क्या हो गया, अलग ही ट्रिप में रहता वो, अलग ही एटीट्यूड है। मैं बिग बॉस जब देख रहा था मैं भी फैन बन गया था भाई, मुझे पसंद था बंदा, लेकिन अब नहीं है यार, पता नहीं क्यों अजीब सा लगने लगा, उसकी आर्ट को कुछ नहीं बोल रहा हूँ, गाने बहुत बढ़िया बनाता है वो, बट जो उसके एटीट्यूड में अब सडन चेंज आया ना वो पता नहीं क्या कर रहा है। बाकी गाइस म्यूजिक से याद आया होगा एमसी स्टैन चूतिया है जो हग रहा है, ये बिग बॉस के टॉयलेट में हग रहा है, ये सरेआम हग रहा है MC Stan। हमने जो अपने म्यूजिक का चैनल सेपरेट कर लिया था जैसे, तो अभी मैंने बहुत महीनों बाद जो है गाने फिर से डालने शुरू करे हैं, अगर रीच भी छा नहीं रही है तुम जाके सुन लो जरा, दो गाने उधर एक इश्की कर लिया और नो फ्लेक्स जो इसी मंथ मैंने पोस्ट किया, तो जाके सुन लेना अच्छे लगेंगे, मैं थोड़े से प्ले करके दिखा, सुनो 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 ये वाला प्रमोशन जो भी अपने भाई बंधु है कि जाकर सुन लेना मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बाकी अभी जो इतना ही पार्ट सुनने के बाद कमेंट सेक्शन में लिखने वाले हैं भाई मेरा मन है मेरे पैसा है मुझे कर दे दो, मन नहीं करूंगा यार। पता क्या होता है जिन लोगों को तकलीफ होना हो कोई दिक्कत नहीं, कंटेंट बना रहे हो आप बनाओ, जिन्होंने देखना उन्होंने देख ही लेना, और जिन्होंने रोना उन्होंने बैठ कर रोते ही रहना।
भाई अभी मैं भी पुनीत सुपरस्टार की तरह बन जाऊंगा, दुनियादारी तो कोई लेना देना नहीं। तो जितने ही मेरे लोग हैं, ये बात मैं उनसे बोल रहा हूँ जो पहले दिन से साथ है, गाने आगे सुनो, शायद इसी हफ्ते नया गाना भी आ जाएगा। इंस्टा फेसबुक हर जगह फैला देना, पसंद आया तो स्पॉटिफाई पे प्लेलिस्ट में भी ऐड कर लेना और शेयर भी कर देना दोस्तों यारों के साथ। बहुत ज्यादा हेट मिली एमसी स्टैन को, उसने अगर पर्सनल मैसेज भी किया पुनीत को, मुझे जो है पर्ची में शो वालों ने लिख के दिया था कि ऐसा बोल दो पुनीत को क्रिंज है, पर्ची में लिख के आया कैसे भी तुमने बोला तो उस बात के अब तुम रेस्पॉन्सिबल रहे। एक स्टोरी लगा के बोल दे लोग को ये क्या पर्सनल मैसेज चल रहा है। मेरे पास बहुत अच्छा ऑप्शन है, अभी मैं एमसी स्टैन को थोड़ा बहुत उल्टा सीधा बोल देता हूँ, दो गाली दे देता हूँ, जहाँ सारे एमसी स्टैन के फैन मेरे गानों पे जाएंगे, गाली रोकेंगे, डिसलाइक करेंगे, इससे मेरा एंगेजमेंट बढ़ेगा और मेरा म्यूजिक वाला चैनल जो होगा। एंगेजमेंट का तो पता नहीं लौड़े लग गए वेंचर उसके, क्या नाम है कि क्या ये मुंह में सुपारी रख के बोलता है जो, क्या एमसी स्टैन बिग ब्रेन गाइस बिग ब्रेन। अरे नहीं हेटफुली मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, जैसे ओपिनियन दे रहा हूँ कि ऐसा कर लेना चाहिए तो हेट कम मिलेगी बंदे को। ये एक स्टोरी अगर पोस्ट लगा के लोगों को बता दे क्या सीन था। एक सदस्य के बर्ताव और रवैये को देखकर बिग बॉस ने भी अपना रवैया बदल दिया है। कहा ऐसा करो बात ऐसी बोलो भी चार लोग सर पकड़ कर बैठ जाए। लाइफ इज टू शॉर्ट गाइस, डोंट आर्ग्यू, जस्ट ओके बात खत्म। भाई असल में बताओ ना, ये चीज बिग बॉस वालों ने भी नहीं सोची होगी, उन्हें लगा होगा कि इसको अगर हम शो में बुलाएंगे थोड़ा नॉर्मल बिहेव करेगा, कैरेक्टर से बाहर निकल के आ जाएगा अपने, जैसे कि जब एमसी स्टैन गया था तो भाई हवाई की हवा निकल गई थी जाके, का मन नहीं लग रहा था बिल्कुल भी, लेकिन फेम के लिए पैसे के लिए जो भी कहो रुका हूं। लेकिन भाई दूसरी तरफ पुनीत को देख लो, भयंकर लात मार के आ गया सब पे। नहीं चाहिए भाई कुछ भी, भाड़ में जाए सब। पुनीत भी लाइक, मैं बर्थडे विश कर करके कमा लूंगा, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे पैसे। ठीक है गाइस, वीडियो खत्म करता हूं मैं, वीडियो देख के मजा आया होगा तो लाइक जरूर करके जाना और कमेंट सेक्शन में मुझे बता अच्छी वीडियो बनाई यार, बड़ा मजा आया देख के। धीरू का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके देख लेना और हाँ सब्सक्राइब कर लेना अपने चैनल को भी, उसके तो तुम कर ही लोगे, 4 मिलियन होने वाले लौंडे के, अपने 4 लाख तो कराओ कम से कम। चलो मिलता हूँ अगली वीडियो में गाइस, बड़ा मज़ा आया मुझे देख के ये वीडियो, आपको कैसा लगा प्लीज़ डू टेल मी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है। विल सी यू इन अनदर वीडियो गाइस।